हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना तीज का व्लॉग। यहाँ पे मैं सब कुछ सेट कर रही हूँ, क्या मुझे मंदिर लेके जाना है पूजा करने। और तीज जो होता है वो छूने का मतलब इसमें ज़्यादा एक वो होता है, महत्व होता है। जो सुहागन औरतें होती हैं वो सारे श्रृंगार का सामान जो होता है वो छूती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें नहाने से पहले ही अच्छे से मतलब सजा के अलग रखने चाहिए, और नहाने के बाद तब उसको छूना चाहिए। नहाने के बाद मतलब इन चीज़ों को आपको नहीं सिहारना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सब अलग अलग कर रही हूँ कि मुझे क्या आदि चीज़ें मंदिर में जानी है। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैंने धो के और सब कुछ इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और अभी मैं नहाई नहीं थी, थोड़ी देर के बाद मैंने नहा लिया। और ये है मेरा ओवरऑल लुक। आप लोगों ने आई होप कि मेरा तीज मेकअप लुक वाला वीडियो देखा होगा, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को, और अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे इस व्लॉग वीडियो को, दोनों को आप लोग लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं तैयार होने के बाद थोड़ा अलग अलग सा पोज दे रही थी, और अभी तक तो तबीयत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था नहाने के बाद। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं पूजा पाठ करने में लग गई। और ये है मेरे शादी का दुपट्टा, ये चुन्नी जो है, ये चुन्नी नहीं, ये एक माता जी का चुन्नी है, मतलब जो मंदिरों से मिल जाता है ना, जो माता रानी लोगों पे चढ़ाया होता है, तो ये वो वाली चुन्नी है। तो मैंने वो वाली चुन्नी ओढ़ के घर में पूजा कर ली, और शादी का चुन्नी ओढ़ के मैं मंदिर गई थी। तो यहाँ से आप लोग मेरा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ एंजॉय कीजिए। पास में ये शिव पार्वती जी का मंदिर है, तो वहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे इस तरीके से हम सब लोगों ने पूजा किया, और ये मंदिर है। बच्चे व्लॉग बना रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था नहीं, और हस्बैंड व्लॉग नहीं बना रहे थे, तो ये बच्चों ने शूट किया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर में अलग से यहाँ पर शंकर जी का बड़ा सा है पे भी मैं पूजा कर रही थी। ये मंदिर के अंदर का है, ये सब कुछ मंदिर का जो भी पार्ट है ये सारे मेरे बच्चों ने शूट किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तीज का जो छूने वाला जो रस्म होता है वो हम लोग कर रहे हैं, और इसको छू के हम दान देते हैं। तो वही
याद होती है कि उसे मतलब ये संदूर लगाने का अवसर उसको भगवान जी ने दिया हुआ है। और ये होने के बाद यहाँ पे मैं अब हम लोग चावल का आटा बनाते हैं तीज में विशेष रूप से, उसका भी ब्लॉग मैंने पिछले साल एक डाल रखा है वीडियो कि किस तरीके से बनाते हैं। ये वो आटे का चूर्ण है, ये बनाते हैं चावल का आटा बनाते हैं हम लोग। इसे हम अपनी जो साड़ी हम लोग पहनते हैं उसके आँचल पे रखते हैं, छूते हैं उसको आँचल पे लेके और फिर उसको पांच बार सबसे पहले अपने मुँह में डालते हैं। तो यहाँ पे रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं बहुत ही धीरे धीरे मतलब फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे अरेंज कर रही थी क्योंकि सब सो गए थे घर में, कोई भी नहीं था। तो मैंने फ़ोन को एक तरफ साइड में रख दिया था सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही आटा आँचल में ले रही हूँ। मैंने पेपर इसलिए बिछा लिया क्योंकि वो जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना साड़ी में, फिर उसमें वो वाइट वाइट आटा लग जाता है और आने के बाद से सबसे पहले आपको मुंह में ये डालना होता है और इसको बहुत आराम से मुंह में डालना होता है और पानी पीना होता है क्योंकि नहीं तो फिर गला पूरा सूखा होता है पूरे 24 घंटे का और वो आपको सरक भी सकता है चावल। तो मैं एकदम एक एक सिर्फ मैं एक उंगली से मतलब उठा के थोड़ा सा मुँह में डाल रही हूँ कि ये सरक ना जाए कहीं, अदरवाइज़ जो लोग एक बार में ज़्यादा डाल लेते हैं तो फिर वो गले में जाके फंस जाता है और सरक जाता है। और सबसे ज़्यादा तो प्यास लगी होती है। तो यहाँ पे मैं जल देवता को मैं प्रणाम कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि भगवान तीज का व्रत आपने सफल किया बनाया, अमर सुहाग ऐसे ही बना के रखिए और हर साल करने का ये मौका मिले। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये तीज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय एवरीवन। यहाँ पे मैं आप लोग को इशारों में कहूँगी तो आप लोग मेरा इशारा भी थोड़ा सा समझ जाइए। ओके, बाय बाय।